चलिए लेट्स स्टार्ट विथ योर न्यू चैप्टर सिम्युलेशन। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर क्यूटी। यूजुअली वी सी अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस एवरी टर्म, वेरी फेवरेट ऑफ सीएमए एग्जाम ऑल्सो। सीएमए में हर बार इससे क्वेश्चन रहता है। अ स्मॉल एंड क्विक चैप्टर। Let's understand the core logic behind this. देखिए दो मीनिंग आपको लेके चलना है इस चैप्टर का। एक तो आप इंग्लिश मीनिंग समझ लीजिए और दूसरा आप ले लीजिए मीनिंग एज पर सिलेबस। When we talk about simulation as per English, what we mean is kind of virtual reality. ये word सुना है क्या आपने? मतलब you are not in that atmosphere or environment, but still you are feeling the situation now. If it can be done, that is simulation. Like usually this is done through science यानी साइंटिफिक डिस्कवरीज से सब किया गया है। करेक्ट। एनीबडी ऑफ यू हैव गॉन फॉर वॉचिंग दैट 7D मूवी? देखें 7D, दैट सिमुलेशन। सिमुलेशन मीन्स देयर इज सम अदर रियलिटी गोइंग ऑन द स्क्रीन एंड यू आर गेटिंग सम फील ऑफ दैट। साइंस सिटी निको पार्क में भी ऐसे राइड्स हैं। बिरला प्लेनेटोरियम गए हैं? नहीं गए क्या? बचपन आप लोग का क्या? गुल्ली डंडा प्लेनेटेरियम नहीं गया? अरे मम्मी पापा इतना दोस्त है, इतना कजिन से किसी के साथ चला जाओ यार। हाँ 2 साल से रेनोवेट हो रहा है ना, बचपन कहाँ गया? मिट्टी मिट्टी खाया खाली। शहरी लोग है, प्लेनेटेरियम नहीं गया अभी तक। इट्स लाइक इन वन ऑडिटोरियम यू गेट द फीलिंग ऑफ सिटिंग under the galaxy, under the sky, seeing the stars. Actually there is no stars outside, but still you get the feel of stars inside. So that's simulation. चलिए और example देते हैं। आंखें movie देखा है? अमिताभ बच्चन वाला robbery। तो robbery के लिए वो एक जो set बनाया था practice करने के लिए before final robbery. Now practicing in that set was simulation. चलिए वीडियो गेम पार्लर में कभी गए हैं? अब मत बोलना नहीं गए हैं। नहीं गए तो आप लोग सब जिंदगी में मिस करें, पढ़ पढ़ के मर जाएंगे एक दिन। कुछ नहीं होगा आप लोगों का, पक्का बात है। उसमें वो कार गेम खेला है? नहीं खेला है? खाली गुड्डा गुड्डी? हाँ कार गेम को गाड़ी चलाते तो वो फील देता है ना, भिड़ता है तो वाइब्रेशन होता है। इंटरेस्टिंगली यू नो आई टेल यू सम मोर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। इन साउथ इंडिया इन सम सिटीज मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट हैज मेड सिमुलेटेड कार्स टू सी वेदर द न्यू ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन करने वाले कैंडिडेट्स ड्राइव कर पा रहे कि नहीं। कलकत्ता में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिलता है? गाड़ी में बैठो उतर जाओ। मिला है क्या आपको? गाड़ी में बैठो, चालू भी नहीं आता वो कर देगा। 100 का पत्ती लगेगा, 100 का पत्ती, 100 का पत्ती पकड़ाइए उतर जाइए, हो गया। बोला हम मुझे गच्छी। बट वहां पे यू नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट ड्राइविंग लाइसेंस। मेनी टाइम्स जिनको सच में 10 साल से ड्राइव करना आता है वो लाइसेंस नहीं मिल पा रहा उसको। क्यों? क्योंकि उसमें इतना टीवी में कॉम्प्लेक्सिटीज आ रहा है कि अचानक कोई बच्चा भाग के आ गया तो आप हैंड सिग्नल नहीं दिए, अचानक एम्बुलेंस पीछे से जाएगा, फिर आपको लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, और बहुत डेंजरस है वहां पर ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना। सिमुलेशन। अनदर एग्जाम्पल द एडवांटेज ऑफ सिमुलेशन वॉज वंस टेकन बाई PwC प्राइस वाटरहाउस कूपर्स ड्यूरिंग आवर टाइम। वॉट दे डिड आर्टिकलशिप के लिए, जनरली आप लोग एक कमी फील करते हैं ना आर्टिकलशिप में, पहला दिन ही बुलाते हैं और बोलते चलो ये बुढ़िया बिस्तर लो, ये एड्रेस लो, वहां पे जाके ऑडिट करो। और
क्या करें? बोला वहीं जाके पूछो क्या करें, यहाँ मत पूछो। ये क्या किसी को साथ में भी अकेले जाओ, साथ का क्या काम है? ये कोई सिस्टम है भाई, ये क्या दुनिया है? अचानक अभी कम से कम हम लोग तो सोचा जिंदगी में ट्रेनिंग मिलेगा, फिर एक दो बार देखते देखते सीख जाएंगे। पहला दिन ही बोलता इतना कुछ करो नौ। देखिए छोटा मोटा फर्म में एक प्रेम चोपड़ा का डायलॉग है, नंगा नहाएगा क्या, क्या बिगाड़ी दोगे उनका, फीस ही कितना आता है उनसे, तो क्या बिगाड़ के आ जाओगे आप, कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए रिस्क फ्री होके भेज देते हैं। ठीक है, आप जानते ही कितना हो कि आप बिगाड़ के आ जाओगे। बट बड़े बड़े फर्म में रेपुटेशन का बहुत सवाल होता है कि किसको भेज रहे हैं आप भाई, ऐसे नौसिखिया को कैसे भेज सकते हैं, और ऊपर से उनका एक एक क्लाइंट से फीस अरब करोड़ों रुपया का है। तो व्हाट दे डिड यू नो, टॉली क्लब हायर किया उन्होंने, और जितने आर्टिकल को हायर किया उनको एक डमी सेट बना के और ट्रेनिंग प्रोग्राम क्रिएट किया कि समझो ये फाइल है, ये क्लाइंट है, ये इस सेक्टर पे काम करता है, और उनको ट्रेन किया। वैसे 7 दिन तक ट्रेनिंग प्रोग्राम चला, एंड देन अल्टीमेटली दे वेर असाइंड टू देयर क्लाइंट्स आफ्टर दैट। सो दैट वाज वन रेवोल्यूशनरी ट्रेनिंग प्रोग्राम विच पीडब्ल्यूसी कंडक्टेड। बट बंगाल है, कितना दिन चलाता है ये सब? एक ही बार या दो बार ही हुआ ऐसा, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। नाउ इंटरेस्टिंगली यू नो, वेरियस कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर रियली बिलीविंग इन सिमुलेटेड ट्रेनिंग। सो देर आर नाउ कंपनीज जैसे जो सीधा सीनियर लेवल पे किसी को हायर करता है, जैसे अभी टाटा ग्रुप ने एन चंद्रशेखर को हायर किया। किस लिए हायर किया? कि भाई साइरस मिस्त्री जी बर्डन संभाल नहीं पा रहे थे, वैल्यू क्रिएशन कर नहीं पा रहे थे। अब मेरा सवाल ये है कि चंद्रशेखर कर पाएगा, इसका क्या गारंटी है? नहीं, क्या गारंटी है? साइरस मिस्त्री भी तो इतना साल से टाटा ग्रुप से जुड़ा हुआ था, जब वो इतना साल से जुड़ा रह के नहीं कर पाया, उसका स्टेक होल्डर मतलब उसका उसके फैमिली के पास तो उसका इतना शेयर्स है, तो वो नहीं कर पाया, जो बाहर का आदमी है वो आके वैल्यू क्रिएशन करेगा, तो समझ में नहीं आता है। तो नाउ व्हाट टिपिकली बिग कंपनीज आर डूइंग, यू नो, दे हैव इनोवेटेड सिमुलेटेड ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर में इट विल बी लाइक, जैसे अपने घर में बिजनेस का गेम खेलते थे ना, बोर्ड गेम, नहीं खेले? खाली तीन पत्ती, खाली तीन पत्ती, सब जब मिला आप तीन पत्ती मारा, बिजनेस बोर्ड गेम तो खेला ही होगा। वैसे ही उनको एक सिमुलेटेड सिमुलेटेड ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर दिया जाता है, जिसमें जिसमें यू नो उनको एक फंड एलोकेट कर देगा, कंपनी का नेटवर्क बता देगा, कंपनी का प्रोडक्ट्स दे देगा, और कंपनी का मार्केट के बारे में नॉलेज देगा। तो उनको डिसीजंस लेने पड़ेंगे, वो गेम चलेगा करीब करीब 2 महीना तक, 2 महीना तक गेम खेलना पड़ेगा। उसमें आपको आपके डिसीजंस, आपके बजटिंग, आपके प्लान्स, आपके ये सब कैलकुलेशंस जो आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सीखते हैं, वो सब कर करके जमा करने पड़ेंगे, और उसमें पैरामीटर सेट किए हुए हैं कि एक एक ऐसे ऐसे पास होते जाते तो कितना स्कोर आपको मिलता रहेगा, ओवरऑल स्कोर इतना से ऊपर आया तो ही आपको पोजीशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऑलरेडी कंपनीज आर डूइंग, एंड इन माय इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट, मैंने तो अपने कंप्यूटर में 2-3 डो ऐसे डाउनलोड भी कर रखे, मैं खुद खेल के भी देखा, कुछ समझ नहीं आया क्योंकि बहुत हाई लेवल का चीज था ना, 2-3 महीने का टाइम देने का फुर्सत नहीं था, बट सिमुलेटेड ट्रेनिंग का जमाना आ गया। कैन यू इमेजिन? वन मोर, जैसे आप लोग SFM पढ़ते हैं सब, आप लोग इतना स्टॉक मार्केट देखते हो उस सब्जेक्ट में, यू नो, बट क्या होता है कि स्टॉक मार्केट को लेके सबका एक इंटरेस्ट तो जाग ही जाता है थोड़ा सा, यार मजेदार चीज तो है, बट करने का जिगरा नहीं, समय नहीं। तो जिगर मतलब मैं बोल रहा हूँ ये वाला जिगर, स्टॉक मार्केट में ऐसे खाली पॉकेट थोड़ी जाके बैठोगे। बट सीखने के लिए किसी से भी पूछो ना तो बोलता पॉकेट में कितना है। जैसे मेरे को भी बहुत चस्का लगा, स्टॉक मार्केट सीखना है, स्टॉक मार्केट सीखना है, मेरे फर्म में खतरनाक क्लाइंट लोग का पोर्टफोलियो मैनेज होता है, तो मैं गया अपने फर्म में, भैया भैया हमको भी सिखाइए ना स्टॉक मार्केट। अब पॉकेट में कितना है? बोले पॉकेट में क्या, पैसे लेके स्टॉक मार्केट सीखना होता है? बोले नहीं, 10 लाख रुपया मिनिमम डाल बाजार में, झटका लगेगा 2 बार, व्हेन यू विल ब्लीड यू विल लर्न, अदरवाइज यू नॉट लर्न। खाली पॉकेट को स्टॉक मार्केट नहीं सीख सकता है, वही तो बहुत महंगा प्रोग्राम बता दिए। वापस आ गए,
बुद्धि चलाए, एनएसी पाठशाला, देयर इज अ वेबसाइट, एनएसी ने बनाया, एनएसी पाठशाला, उसमें वर्चुअल मनी आपको दे देता है एंड यू कैन ट्रेड, विल गेट अ पोर्टफोलियो। एंड ऐसा ही और था मनी भाई डॉट कॉम, उसने सबसे पहले बनाया, बाद में एनएसी ने बनाया। एनएसी पाठशाला आई फाउंड मोर लॉजिकल, मोर क्लियर। मनी बाई डॉट कॉम वॉज, मनी बाई डॉट कॉम अपने आप को प्रमोट करने के लिए क्या करता था, एक वर्चुअल मनी देता था 5 लाख शुरुआत में, फिर आप उसको अगर मल्टीप्लाई कर पाते हो स्ट्रेटेजीज से, तो मंथली वो लोग रिवॉर्ड सिस्टम रखते थे, कैश प्राइज, जो हाईएस्ट स्कोरर था उसको कैश प्राइज मिलता था। बट एनएसी पाठशाला में ऐसा नहीं है, बट ये एनएसी पाठशाला ने ये प्लेटफॉर्म दिया कि आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सीख जाएं बिना पैसा लगाए, मतलब यू विल गेट द रियल फील विदाउट इन्वेस्टिंग मनी, दैट सिमुलेटेड लर्निंग। ओके, सो दिस इज व्हाट सिमुलेशन इज अबाउट। लाइक आपके लिए सिमुलेशन क्या होता है, जैसे आपके एग्जाम के पहले मॉक टेस्ट हम लोग कंडक्ट करें एंड यू गेट द फील कि व्हाट काइंड ऑफ पेपर विल कम इन एग्जाम। वी आर प्लानिंग टू कंडक्ट रिसेंट नाउ फॉर इन जस्ट फ्यू डेज वी विल कंडक्ट फॉर द कमिंग एग्जाम, सो इफ यू हैव फ्रेंड्स यू कैन इन्फॉर्म देम ऑल्सो। दैट्स द रियल फील दैट व्हाट काइंड ऑफ पेपर कैन कम इन एग्जाम, सो दैट यू आर मोर प्रिपेयर्ड फॉर द कमिंग सिचुएशन। ओवरऑल एक चीज आप क्रक्स बोरो करना इंग्लिश मीनिंग ऑफ सिमुलेशन से, कि व्हाट सिमुलेशन गिव्स यू एन आइडिया अबाउट इज व्हाट इट कैन बी। सिमुलेशन क्या चीज का आइडिया दे रहा है, इनफैक्ट विदाउट गोइंग देयर व्हाट इट कैन बी, व्हाट इट कैन बी, दैट सिमुलेशन, दैट्स द इंग्लिश मीनिंग। नाउ हाउ इट हैज टू बी इंटरप्रेटेड इन आवर सिलेबस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ इंग्लिश मीनिंग इज परफेक्ट, बट सिलेबस में इसका रोल क्या है, ये आपका ऑपरेशंस रिसर्च का पार्ट है, करेक्ट, जिसको हम लोग क्यूटी भी बोलते हैं। ऑपरेशंस रिसर्च का नाम ऐसे पड़ा, उसमें वर्ड ऑपरेशंस इसलिए आया कि ये डे टू डे एक्टिविटीज पे फोकस करे, डे टू डे एक्टिविटीज, और रिसर्च वर्ड इसलिए आया कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यूज करे। सो देयर शुड बी सम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस फॉर डे टू डे एक्टिविटीज, दैट इज ऑपरेशंस रिसर्च। एंड व्हाट सिमुलेशन इज डूइंग हियर, सिमुलेशन विल हेल्प यू टू नो व्हाट इट कैन बी इन योर ऑपरेशंस। लाइक टेक एन एग्जांपल, अ कंपनी दैट इज हैविंग सम स्टॉक इनसाइड इट्स स्टोर्स, वेयरहाउस या शोरूम, व्हाटएवर, नाउ इट डजंट नो व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ कस्टमर्स कमिंग इन कमिंग फ्यू डेज। ओके, सो इट वॉन्ट्स टू नो वॉट इट कैन बी, इट वॉन्ट्स टू नो वॉट इट कैन बी, वॉट कैन बी द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन कमिंग फ्यू डेज, वॉट कैन बी द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इन कमिंग फ्यू डेज। फॉर एग्जाम्पल देर कैन बी अ बैंक, से बैंक में इफ यू हैव विजिटेड, आई अज्यूम सबको एक बार बैंक गए अपनी जिंदगी में अभी तक, या अब नहीं बैंक नहीं गया अभी तक, तो फिर कर क्या रहे हैं कॉमर्स की दुनिया में, हाँ कोई ना कोई कारण से बैंक तो एक बार जाना ही चाहिए, ठीक है। तो इफ यू गो टू बैंक, इफ यू हैव सीन सम सिचुएशंस देयर, लाइक मंडे को यूजुअली देखना क्यूज ज्यादा रहते हैं, करेक्ट, तो उनका काउंटर्स भी ज्यादा ओपन रहता है। अब मंडे को ऐसा ही करते हैं, या फिर कभी उनको पता होता है, जैसे आज कोई बैंक हॉलीडे हो गया, कल काउंटर फिर ज्यादा भीड़ रहेगा, तो नंबर ऑफ काउंटर सुबह से ही ज्यादा खुला रहता है, सुबह से ही वो क्यू मैनेजर लंबा किया हुआ रहता है, सुबह से ही प्लानिंग किया हुआ रहता है, इधर से एंट्री इधर से एग्जिट, आपके जाने के बाद प्लान नहीं करते, मतलब व्हाट दे डिड ऑन प्रीवियस डे, इमेजिन प्रीवियस डे उनका टीम क्या सोच के गया कि व्हाट इट कैन बी द डे आफ्टर, सो अकॉर्डिंगली लेट्स प्लान नाउ। सो व्हाट दे डिड द प्रीवियस डे वाज सिमुलेशन what it can be the day after, what they did was simulation. Okay, similarly not only in banks, you can imagine a departmental store, so abhi festival season start ho rahe hain, shaadi ka season start ho raha hai, they know this time is coming, so accordingly they arrange the stocks before actually the customer arrives, accordingly they arrange the manpower, accordingly they arrange the billing counters, that that planning is done basically based on simulation, what it can be. Now
What do you think? What is the main criteria of their simulation? मतलब वो लोग कैसे सोच पाते हैं कि क्या होने वाला है? Past experience, yes, perfect answer. Past experience. The main business runs on past experience. If you don't have past experience, then you borrow experience. Like basically, you hire experts. Experts have past experience with others. Okay, so they will give you some ideas, or you have to do some surveys and all to gather some experience. And accordingly, what it can be, ko lekar they plan. So how simulation is helping in day-to-day activities? In day-to-day activities, there are several uncertainties that has to be planned before, so that we are at least at something than nothing. हम लोग ये नहीं बोल रहे कि जो आप प्लान करेंगे वो परफेक्टली हो गए होगा. जैसे आप लोग एनरोल किया, फर्स्ट डे आप सबको मैट मिल गया था, एनरोलमेंट के समय नहीं दिया, फर्स्ट डे के दिन तो सबको मैट मिल गया, बट कुछ कुछ लोग को नहीं मिला था, मुझे मालूम है ना, क्योंकि एक बार में सारा आया नहीं था. तो ऐसा नहीं हुआ था कि किसी को नहीं मिला. व्हाट वी डिड वाज अ सिमुलेशन फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस, ओके, एंड अकॉर्डिंगली वी ऑर्डर्ड द क्वांटिटी ऑफ मैट, ओके. एंड उससे ये नहीं हुआ कि जो चाहिए था सारा का सारा हो गया. हम लोग ये नहीं बोलेंगे वी कुड परफेक्टली अचीव व्हाट वी वांटेड टू डू. वी एक्चुअली वांटेड टू हैव समथिंग देन नथिंग. बोलते ना, वो अंधा मामा से अच्छा खाना मामा, दोनों आँख गया उससे अच्छा एक आँख तो मिले. तो वही था कि कुछ नहीं होता उससे अच्छा कुछ तो करके रेडी थे हम लोग, जीरो पे तो नहीं खड़े थे भाई. एक ग्राहक आएगा फिर करेंगे, वो सिस्टम नहीं है. हर बिजनेस में आप इफ यू कैन गो इन टू डीप थिंकिंग ऑफ दिस इन एवरी बिजनेस. से यहाँ पे बाहर में काकाडी रेस्टोरेंट है, तो आप जाते हैं तब से समोसा तलता है क्या कि पहले से रेडी रहता है? पहले से एक क्वांटिटी रेडी रहता है कि आप लोग आने वाले हैं, करेक्ट? तो उस समय जरूरी नहीं है ना कि जितने लोग आए सबको मिलेगा ही, करेक्ट? कभी बच भी सकता है, कभी शॉर्टेज भी हो सकता है, करेक्ट? बट वट वी वॉन्टेड टू डू वॉज समथिंग. खाली बैठने से अच्छा कुछ तो करके रखें, वरना तो पूरा ही लॉस हो जाता. दैट सिमुलेशन इज अबाउट इन योर ऑपरेशन रिसर्च. ऑपरेशन रिसर्च में सिमुलेशन आपको अपने बिजनेस का डे टू डे एक्टिविटीज का प्लानिंग सिखाएगा. एंड यूजली वी यूज दिस वेन वी फेस सेवरल अनसर्टेनिटीज. ऐसी चीजों को लेकर सिमुलेशन करते हैं जहां पे अनसर्टेनिटी हो, जहां पे फ्लाइंग वैल्यूज रहेंगे. मतलब क्या होगा वो जानते नहीं है, बट स्टिल वी नीड टू प्लान समथिंग, अदरवाइज विल बी एट नथिंग. दैट्स द पर्पज ऑफ सिमुलेशन. अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अभी आपको लिखना नहीं, मैं आपको सब लिखाऊंगा. बहुत अच्छे से इसका कोर कैलकुलेशंस को समझ जाइए. आपको ये तो समझ में आ गया सर, आप सोचना चाह रहे हैं कि ये अपना नियर फ्यूचर है बिजनेस में, जो अनसर्टेन एनवायरनमेंट है इसमें क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं वो हम जानना चाह रहे हैं, और वो आज ही जानना चाह रहे हैं. दिस इज द प्रेजेंट वेयर वी वॉन्ट टू फोरसी दिस, वेयर वी वॉन्ट टू फोरसी दिस कि यहाँ पे क्या होगा. फ्यूचर का चीज यहाँ पे जानना चाह रहे हैं, और इसके लिए हम लोग हेल्प किसका ले रहे हैं? पास्ट एक्सपीरियंस का. तो एक इंटरेस्टिंग बात है कि पास्ट से ही फ्यूचर बना हुआ है ये तो मानना पड़ेगा. पास से ही फ्यूचर बना हुआ ये बात तो मानना ही पड़ेगा. बात में हद से ज्यादा गहराई है. पास से ही फ्यूचर है, और आज आप जो जो कर रहे हो उससे भी फ्यूचर आने वाला है. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस अबाउट योर फ्यूचर. एनीवेज, पास्ट एक्सपीरियंस ही फ्यूचर आने वाला है ये पक्की बात है, बट फ्यूचर में क्या होने वाला है ये कोई भी बता सकता है? कोई नहीं बता सकता. Nobody. पास्ट में एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे हमारे यहाँ पे सेल्स पर डे 10 होता है या 20 होता है या 30 होता है, ये हमने देखा. ये तीन वैल्यू ही मिले मेरे को पास्ट में डेली बेसिस में. कभी 10 होते हैं, कभी 20 होते हैं, कभी 30 होते हैं. अब फ्यूचर में क्या होगा हम बता सकते हैं क्या? कैन आई बी श्योर कि 10 ही होगा, क्या 20 ही होगा, या 30 ही होगा, कि 0 होगा? कैन आई बी श्योर? Never.
अगर आप श्योर है तो भैया आप ही सब कुछ हैं, आप कहाँ थे अभी तक, आप बता दीजिए बस, सारा दुनिया का ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गया भाई। जो बता दे उससे बढ़िया फिर सोल्यूशन देने वाला कोई नहीं है ना। हर साल देखिए 1 जनवरी को बेजान दारू वाला, इंडिया का जाना माना एस्ट्रोलॉजर है, वो कुछ न कुछ फोरकास्ट करता है, भविष्यवाणी बताता है कि इस साल सलमान खान की शादी होने की उम्मीद है। बस सलमान खान फैन उसका मार्केट वैल्यू बढ़ाने लग गए। तो इट नेवर हैपेंस, यू नो, फ्यूचर इज इन नोबडीज हैंड। नाउ अगर फ्यूचर किसी के हाथ में ही नहीं है तो आप क्या पढ़ाई कर लेंगे यहाँ पर? देखिए हम लोग का अगेन स्ट्रेटजी यही है, समथिंग तो सोचना पड़ेगा ना। वी कैन नॉट लीव एवरीथिंग एम्प्टी, वी हैव टू डू समथिंग, वी कैन नॉट हैव नथिंग, तो कुछ तो करना ही होगा। तो हमारा थ्योरी क्या बोलता है, होगा इसमें से ही, हमारा थ्योरी बोलता है जिसको हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, हमारा थ्योरी बोलता है जो होने वाला है वो इसमें से ही होगा, पास्ट है उसी में से ही होगा, बट कौन सा होगा ये नहीं जानते हैं। होगा इसी में से ही बट कौन सा होगा ये हम नहीं जानते हैं, होगा इसी में से ही। तो अब कैसे पता करें कि इसमें से कौन सा होगा, से आने वाला डे 1 का, डे 2 का, डे 3 का, डे 4 का और डे 5 का वैल्यू क्या क्या होगा ये हम नहीं जानते हैं, बट होगा इसी में से ही, ये पक्की बात है। डे 1 क्या होगा हम नहीं जानते, हो सकता हर दिन 30 30 30 हो जाए, हो सकता है 30 20 10, कुछ भी कॉम्बिनेशन में आ जाए। ये पहला आपको कंडीशन मानना पड़ेगा कि जो होने वाला है वो पास्ट के डेटा में से ही होने वाला है, लेकिन कौन सा होगा ये कोई नहीं जानता। हम क्या कोई नहीं जानते, इनफैक्ट हमारा जो टेक्निक है वो भी बोलता हम भी नहीं जानते। तो भाई आप क्या पढ़ाने वाले हैं जब आप कुछ जानते ही नहीं, तो पढ़ाएंगे क्या? तो हम तरीका बता सकते हैं, आप ऐसे कर लो, होगा क्या हमसे मत पूछो। तो कैसे करें, देखिए उपाय समझिएगा। उपाय है कि 3 पर्ची बनाइए, एक में लिखे 10, दूसरा में लिखे 20। अरे बनाना नहीं है, ऐसी उपाय समझिए, सिमुलेट करिए, सिमुलेट समझिए कि आप वो कर रहे हैं। 10 का पर्ची बनाया, 20 का पर्ची बनाया, 30 का पर्ची बनाया, तीनों एक जैसा, एक साइज एक कलर, इक्वली उसको फोल्ड करिए, पर्ची को मिला दीजिए। होगा क्या पता है क्या किसी को? नहीं हो पता, मिला दीजिए। पंडित जी का तोता को बुलाइए, उसको भी तो नहीं पता मैंने क्या लिखा है। फ्यूचर तो ऐसा ही है ना, किसी को तो नहीं पता। उसको चना देते 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 उससे पर्ची एक निकलवाइए, वो कोई सा टान के चला जाएगा, जो टान के गया वो खोल के देख लीजिए, वही होगा डे 1। अरे भाई ये कोई बात हुआ, बोला सर एग्जाम में तोता लेके जाना है। हर कंपनी अपना कंपनी चलाने के लिए तोता पालेगा कि ये भविष्यवाणी करता है, ये हमें प्लान बताता है। नहीं चलेगा ना, दूसरा तरीका देते। 3 पर्ची है, मिलाया 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 मिलाया, पांच बच्चों को बुलाते हैं, बच्चे मन के सच्चे, उससे बढ़िया तो कोई उपाय नहीं है। हर एक के पीछे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 का थप्पा लगा देते, ठीक है? और एक एक को आके बोलेंगे बेटा 3 तो रखा हुआ है, तू इस पे उंगली रख, तेरे को जो पसंद हो उस पे उंगली रख, हो सकता है पांचों एक ही पे उंगली रख के चले जाए, ऐसा हो सकता है। फ्यूचर तो ऐसा ही है ना, कुछ भी हो सकता है, हमें थोड़ी पता वो बच्चा के मन में क्या चल रहा है। हो सकता है बच्चा खेलते खेलते अचानक किस पे उंगली रखते थे, लास्ट में उस पे उंगली रख दिया, वो भी हो सकता है। तो जो वो सिलेक्ट किया पांचों, वही आपका आंसर है। एक और उपाय है, देखिए उपाय है तो सीख ही लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है जिंदगी में कब कौन सा उपाय काम आ जाए। जैसे 10 है 20 है 30 है, एक बच्चे को बुलाएंगे, एक ही को बुलाएंगे, इस बार 5 का जरूरत नहीं है, एक ही को बुलाएंगे, उसको बोलेंगे तू बेटा 10 20 30 में से एक नंबर बोलियो, उसके पीछे मारेंगे ना पीठ पे, तेरे को 10 20 30 में से एक बोलना है,
मेरे को 1 2 3 4 5 तक जाना है, मैं यहाँ पे 2 मारा, वो क्या बोलता है 20, तो 20 लिख लिया, डे 2 का 20 हो गया भैया, हो गया फैसला, हो गया। तरीका तो है यार, बट डू यू थिंक ऑल दीज आर यूनिवर्सल? नेवर। सो वी नीड समथिंग दैट इज यूनिवर्सल, करेक्ट? ये सब तरीका है, बट ये सब तरीका यूनिवर्सल नहीं है। ये आप अपने लिए कर सकते हो, आपका मार्क्स कितना आने वाला हर पेपर में निकाल, एक अंदाज तो लग ही जाएगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पास हो रहे हो कि नहीं हो अभी पता चल जाएगा, 10 20 30। एनीवेज, देखिए होता वही है जो होता आया है, एबनॉर्मल कुछ नहीं होगा, ये बात मान के चलिए। एबनॉर्मल करने के लिए एबनॉर्मली एफर्ट भी देना पड़ेगा। बहुत गहराई था बात में। अभी यहां पे सुनिए, बात सुनिए ध्यान से, जो ऑफिशियल तरीका उसको ध्यान से सुनिए। हम लोग बोलते हैं कि ये 10 20 30 में से कैसे काम करना, थोड़ा सा इसको लेंदी बनाते हैं, इसको लेंदी बनाते हैं, जिसके बेस पे हमें पूरा प्लानिंग निकाल के लाना है, जो आपका हर सम का कैलकुलेशन भी बनेगा। हम लोग बोलते हैं डे 10 20 30 जो आप सॉरी सेल्स यूनिट्स आप बोल रहे हो 10 20 30 ये पास एक्सपीरियंस से बोल रहे हो, ये परफेक्ट है, बट कितना स्ट्रांग एक्सपीरियंस है ये बताना होगा। एक्सपीरियंस का स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी आप फ्रीक्वेंसी बताइए मुझे कितनी बार ऐसा हुआ। मतलब आपको पास ऐसे 3 दिन का डेटा नहीं लेना है, मान लीजिए आप पास 300 दिन का डेटा लीजिए, या 100 दिन का डेटा लीजिए, या 200 दिन का डेटा लीजिए, और उसका फ्रीक्वेंसी बताइए, क्योंकि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा। फ्रीक्वेंसी मान लीजिए इसका है 30, इसका है 50, इसका है 20, तो मैंने 100 बार का डेटा लिया था, उसमें 30 बार 10 निकला, 50 बार 20 निकला, और 20 बार 30 निकला, ध्यान से, ओके? ये 100 ले सकते हो, या फिर मैं चाह रहा हूं आप एक बार 500 ले लो, 500 ले लो, तो ये ये मान लीजिए 150 है, ये आपका 250 है, और ये 100 है, ठीक है? एक और कॉन्सेप्ट दे पाऊंगा इस 500 लेने से, ये इसको देखने से समझ में आता है कि आपका एक्सपीरियंस का डेटा बहुत स्ट्रांग है, ओके? तो अब आप जो बोलते हो कि जो होने वाला है इसमें से ही होगा, तो उस पे फेथ आता है, ये बात पे फेथ आता है। और सिंस हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो मैथ्स का जो पढ़ाई है प्रोबेबिलिटी का, वो यहाँ पे आ जाएगा कि आप फ्रीक्वेंसी को लेके प्रोबेबिलिटी डिराइव कर लीजिए, ओके? प्रोबेबिलिटी इज 30% हियर, हियर इट इज 50%, एंड हियर इट इज 20%। इसके बेसिस पे काम करने से ज्यादा लॉजिकल लगेगा, बट मैं चाह रहा हूं एक बार आप प्रोबेबिलिटी को इग्नोर करके करें। मान लीजिए ऐसा सिनेरियो हुआ कि 500 दिन का सेल्स आपने लिया, ध्यान से सीखिएगा, 500 दिन का सेल्स लिया, हर दिन का सेल्स में क्या तो 10 ही मिलता है, या तो 20 ही मिलता है, या तो 30 ही मिलता है, यानी से इमेजिन यू हैव 500 पर्चीज है आपके पास, जिसके पीछे 10 या 20 या 30 में से वैल्यू मिलते हैं, ओके? अब ये पर्चियों में, ध्यान से, ये पर्चियों में एक नया सीरियल नंबर बैठा देंगे, नया सीरियल नंबर बैठा देंगे, हर पर्ची का एक सीरियल नंबर होगा, एंड दैट सीरियल नंबर से इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो 1 से लेके कहना इसे 150 तक यहां पे आएगा, फिर 151 से लेकर 400 तक। सीखने का था, ये भी सीखने का था, ऐसा मिस्टेक एग्जाम में हो सकता था, ठीक है? मतलब इसी के लिए सुविधा क्या करते हैं ना हम लोग, क्यूमुलेटिव ले लेने से और आइडिया अच्छा हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, 401 से 500 तक, ये एक नया कोडिंग कर दिया, ओके? नया कोडिंग कर दिया, 10 20 30 क्या है वो पता नहीं, अब 1 से 500 का सीरियल नंबर बैठा दिया, ठीक है? अब एक्चुअली अपने पास 500 ऑप्शन है, जिसमें से आपको 5 वैल्यू निकालने हैं, और इसमें से कौन सा होगा ये किसी को नहीं पता होना चाहिए। इस तरह से निकालो कि निकालने वाले को भी नहीं पता कि इसमें क्या निकल रहा है, करेक्ट? तो वही फिर बचकाना हरकत का तो अंत नहीं है। 1 से 500 में कोई भी नंबर बुलवा लीजिए किसी से भी,
आप बोल दीजिए, कोई सा बोलिए, कोई नंबर बोलिए, बोलिए ना एक नंबर, 1 से 500 के बीच में, 292 चलेगा। अब इसको पता है था क्या 292 से क्या होने वाला है, हमको भी पता नहीं था। बोला अगला 292, तो 292 मैंने एक्सेप्ट किया, तो 292 से कोई आंसर सिलेक्ट हो जाएगा क्या? 20, करेक्ट। ऐसे ही कोई भी 5 नंबर किसी से भी कॉल करवा लीजिए, हाँ राह चलते किसी को बोली बोले 1 से 500 में एक नंबर बोलिए ना। सोचिए सिमुलेशन का टीम बाहर निकला है सिमुलेट करने के लिए, रास्ता रास्ता में सर एक नंबर बोलिए ना प्लीज, 1 से 500 में एक नंबर बोलिए, हमारा जिंदगी का सवाल है, नौकरी कट जाए। 308 बोलिए ना, कोई बोलिए ना मैडम, आप बोलिए ना एक, बोलो बोलो बोलो, कोई भी नंबर 1 से 500 में। 170 तुम बोलो, 499 चलेगा। हाँ एक आप बोलो उधर से लास्ट बेंच, आप बोलो दिव्या बोलो, 211। ठीक, तो 308 पे ये 20 आया, यहाँ 308 पे क्या आया भैया, आंसर बोलिए जल्दी, चूज करिए। 308 पे भी 20 आया, 170 पे भी 20 आया, 499 पे 30 आया, 211 पे 20 आया। हो गया भैया तैयारी, आप चलिए प्रोडक्शन करना शुरू कर दीजिए, इसके हिसाब से प्रोडक्शन करना शुरू कर दीजिए। मतलब सर ये तो फिर सिमुलेशन करने के लिए कम्युनिटी चाहिए, अकेला आदमी तो कर ही नहीं सकता कंपनी में बैठ के, उसको तो रास्ते में उतरना होगा मीडिया वालों की तरह, यूनिवर्सल नहीं है। तो ये जरूरत सालों पहले मैथमेटिशियन लोगों ने फील कर लिया, सालों पहले। और उन्होंने क्या किया पता है, एक टेबल बनाया, उस टेबल का नाम है रैंडम नंबर टेबल। सुने इस टेबल के बारे में? रैंडम नंबर टेबल का आविष्कार कर दिया, और उसमें रोज और कॉलम्स में बहुत सारे नंबर्स लिख दिए, और इस तरह से लिखा कि एक नंबर का दूसरा नंबर से कोई कनेक्शन ही नहीं, एक नंबर का दूसरा नंबर से कोई भी कनेक्शन नहीं है। रैंडम नंबर टेबल पहले मैट में रखते थे, बट हटा दिया इस बार से हटा दिया, क्योंकि बेकार होता है वो, वेस्ट होता है, इसलिए हटा दिया। बट ये टेबल एक एग्जिस्ट करता है, यू कैन गूगल इट एंड फाइंड आउट। रैंडम नंबर टेबल में अजीब अजीब नंबर, जैसे आप लोग अजीब अजीब नंबर बोल रहे थे, एक नंबर का दूसरे नंबर से कोई रिलेशन ही नहीं, कुछ भी तुक्का मारा हुआ नंबर, एक टेबल में सजा दिया। देखिए टेबल में जब सजाते हैं ना, तो एक चैलेंज होता है, जनरली कोई ना कोई सीरीज निकल ही आता है, आप शायद दस 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 जोड़ते जा रहे हैं, दस 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 मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, बट वो रैंडम नंबर टेबल ऐसे बनाया गया था कि किसी भी तरह से एक नंबर का दूसरे नंबर से पूरे टेबल में कोई रिलेशन नहीं निकलेगा किसी भी डायरेक्शन में। जिसने रैंडम नंबर टेबल बनाया था उसको नोबेल प्राइज भी मिला था, मिलना ही चाहिए, इतना सुनहरा आविष्कार। अब ये रैंडम नंबर टेबल में डिजिट्स भी रेस्ट्रिक्टेड नहीं था, ऐसा नहीं था कि 2 डिजिट का था, 1 डिजिट का था, ये 6 6 डिजिट का बनाया गया, और इस तरह से बनाया गया जैसे अगर यहाँ पे एक डिजिट है 543976, तो दूसरा डिजिट कुछ अजीब सा ही होगा 121924। और आप ऐसा नहीं कि ये 6 का 6 में रिलेशन नहीं खोज पा रहे, इनफैक्ट यहाँ पर ऐसा होता था कि आप कोई भी डिजिट उठा लीजिए, 2 डिजिट का 2 डिजिट से भी कोई रिलेशन नहीं है, लास्ट का 3 डिजिट का लास्ट का 3 डिजिट से कोई रिलेशन नहीं है। तो ना यूनिक सिलेक्शन जिंदगी लगा दी थी इसके ऊपर जिसने ये टेबल का आविष्कार किया। अब इस टेबल का यूटिलाइजेशन कैसे हुआ, ध्यान दीजिए, उठाइए ना उनको, क्या आप दोस्त हैं कि क्या आप लोग, सब सो रहे हैं, सोने दो, चलो आगे। रैंडम नंबर टेबल में इसका यूटिलाइजेशन हम लोगों ने अपने काम में कैसे किया, कि व्हेन नाउ वी नीड बेसिकली 5 नंबर्स, ये 5 नंबर के लिए रास्ते में जाके किसी से पूछने का जरूरत नहीं है, क्या करोगे, रैंडम नंबर टेबल में किसी भी 5 नंबर को उठा लीजिए। मतलब ये 5 नंबर आएंगे कहाँ से, रैंडम नंबर टेबल से आएंगे, और रैंडम नंबर टेबल हर कंपनी में अपने पास हो सकता है, आजकल जमाने में तो गूगल करो मिल जाएगा। बट एक कंपनी जिनको ये एक्सरसाइज करना है, वो मैथमेटिशियंस का बनाया हुआ जो रैंडम नंबर टेबल है उसको अपने पास रखे, तो उसको अगर 5 क्या 50 दिन का भी सोचना है तो 50 नंबर उठा ले वहां से, ओके। और 50 के बाद मान लीजिए, आप बोलेंगे सर ऐसे तो रैंडम नंबर टेबल तो एक लिमिटेड साइज का होता है,
तो उसमें मान लीजिए 200 नंबर ही, हमको 250 करना है, अब क्या करें? तो फिर से 50 शुरू से उठा लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है, एक का दूसरे से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये टेबल में जितने भी नंबर्स है उसी से आप हजारों सिमुलेशन कर सकते हैं। आपको नंबर पूछने किसी के पास नहीं जाना, आपको टेबल से नंबर उठाते जाना है, इस रैंडम नंबर टेबल पे भरोसा करना है, इस रैंडम नंबर टेबल पे भरोसा करना है। जितना डिजिट का आपको चाहिए आप उठा लीजिए, जैसे हमें 3 डिजिट का यहाँ पे सीरियल लिंक दिख रहा है तो 3-3 डिजिट उठाते चले जाइए, और रो वाइज उठाना है रो वाइज उठाइए, रैंडमली उठाना है कहीं से भी उठाइए, डायगोनल उठाइए, कॉलम से उठाइए, कैसे भी उठाइए, कोई फर्क नहीं है। ये रैंडम नंबर्स आपको आपका इसमें से सिलेक्शन करने में हेल्प करेगा। फ्यूचर में क्या होगा, देखो जिसको फ्यूचर जानना है उसको भी नहीं पता, और होना क्या चाहिए, जो फ्यूचर बता रहा है उसको भी नहीं पता होना चाहिए कि क्या आने वाला है, वो ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। करेक्ट, जैसे मेरे को मेरा फ्यूचर जानना है तो मुझे तो नहीं पता, और दूसरा मैं जिनसे जाके पूछ रहा हूं उनको भी कैसे पता कि फ्यूचर क्या है। अगर उनको फ्यूचर पता है तो फ्यूचर बायस्ड हो गया ना, फ्यूचर उनको पता है हमको नहीं पता, ऐसा कैसे हो सकता है? फ्यूचर सबके लिए एक ही है, मेरे को अगर फ्यूचर नहीं पता तो जिससे मैं पूछने जा रहा हूं उसको भी नहीं पता होना चाहिए क्या होगा। हम लोग अपना सेल्स का फ्यूचर किससे पूछने जा रहे हैं? रैंडम नंबर टेबल से। तो रैंडम नंबर टेबल को मालूम है क्या कि मैं कौन सा आंसर बता रहा हूं? रैंडम नंबर तो क्या कर रहा है, एक सीरियल नंबर बोल दे रहा है। अब उस सीरियल नंबर का हिडन मीनिंग क्या है वो तो आप जानिए, आपने कैसे पर्ची बनाया 10, 20, 30, मुझे नहीं पता था क्या होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कौन सा रैंडम नंबर नेक्स्ट आने वाला है, और रैंडम नंबर बनाने वाले को ये नहीं पता कि उस रैंडम नंबर के पीछे कौन सा वैल्यू है। तो ये बोलते हैं क्लियर अनबायस्ड फ्यूचर फोरकास्टिंग। इसमें न मुझे पता था क्या होने वाला है, न रैंडम नंबर टेबल को पता था क्या होने वाला है, तो ऐसे फ्यूचर को ज्यादा रियलिस्टिक माना जाता है। इसके ऊपर आप प्लानिंग कर सकते हैं। अगेन वी कैन नॉट प्रॉमिस कि ये परफेक्ट है, वी कैन ऑलवेज से समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली, सम शॉर्टफॉल में भी देर, सम सरप्लस में भी देर, बट स्टिल यू हैव समथिंग टू डू। अब जब आप इस तरह से फोरकास्टिंग कर रहे हैं या फ्यूचर को पता कर रहे हैं तो एक इशू आता है, जैसे रैंडम नंबर टेबल में पहला नंबर ही देखिए मैंने इंटेंशनली 543 लिखा। अब 543 को लेके आप पर्ची खोजोगे, मिलेगा? नहीं मिलेगा। नाउ व्हेन यू आर ड्रॉपिंग अ रैंडम नंबर व्हिच इज नॉट वैलिड इन योर सीरियल, क्वेश्चन अराइजेस, दो नंबर ही चल रहा है, मैनिपुलेशन चल रहा है, 543 नंबर आया और बोलता उसका पर्ची नहीं है, तो फिर तुमने बनाया ही नहीं, तुम चाहते ही नहीं है फ्यूचर में आए। अरे भैया वो वैलिड ही नहीं था। वैलिड नहीं था कैसे नहीं था? मतलब देयर कैन बी क्वेश्चंस, यू सी इन योर कंपनी, कंपनी इज नॉट योर्स, सो एनीबडी कैन आस्क यू क्वेश्चंस कि हाउ आर यू सो श्योर अबाउट दिस फ्यूचर, सो यू विल हैव टू आंसर एवरीथिंग, व्हाई यू हैव ड्रॉप्ड रैंडम नंबर, व्हाई यू हैव रिजेक्टेड अ रैंडम नंबर, दैट्स क्वेश्चनेबल। अनदर, आई हैव नॉट शोन यू हियर, रैंडम नंबर्स ऑल्सो हैव जीरोज एज वैलिड रैंडम नंबर। तो आपका जीरो है क्या? नहीं, आपका तो स्टार्ट ही वन से, तो जीरो कभी भी हाथ में आएगा आपको ड्रॉप करना होगा। एनी रिजेक्शन ऑफ रैंडम नंबर इज कंसिडर्ड एज अ बायस्ड सिलेक्शन, मतलब आप कुछ मैनिपुलेशन किए, वी आर नॉट बिलीविंग ऑन यू, सो वी वॉन्ट सम अ डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट हियर सो दैट नन ऑफ रैंडम नंबर्स गेट रिजेक्टेड। सो फॉर दैट वी हैव वन ओनली पॉसिबल सोल्यूशन, एज मैं वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ जो आपको एग्जाम में हर समय करना है, सेल्स 10, 20, 30, फ्रीक्वेंसी क्या था, 300, 250, वन फिफ्टी टू फिफ्टी एंड 100 था, टोटल 500 है ना। फ्रीक्वेंसी से सीरियल नंबर डालते हो तो इश्यूज रहेंगे, बिकॉज फ्रीक्वेंसी will start from one and end at any point. But if you convert frequency into probability, what will happen? 150 ka 0.3, 0.5, 0.2 total one. Now, make it a cumulative probability, 0.3, 0.8, 1. Now, bring this into whole number. Now, this whole number can be anything, into 10, into 100, into 1000, depends on आपका रैंडम नंबर का टेबल दो दो डिजिट का है कि 3-3 डिजिट का है कि 4-4 डिजिट का है कि 5-5 डिजिट का है।
ध्यान रखिएगा, ये सवाल एग्जाम में पूछेगा कि इनटू क्या करना चाहिए. 10, 100, 1000 डिपेंड्स ऑन व्हाट? रैंडम नंबर का डिजिट्स. इफ इट इज ऑफ टू डिजिट्स व्हाट यू विल डू? 100. इफ इट इज ऑफ थ्री डिजिट्स 1000. सो आई डिड 100 फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज दैट रैंडम टेबल वी हैड 3800. नाउ असाइन सीरियल नंबर हियर, बट सीरियल नंबर शुड बी असाइन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, सो दैट जीरो रैंडम नंबर इफ इट गेट सिलेक्टेड इट डजेंट गेट रिजेक्टेड. जीरो से लेके कहाँ तक जाओगे? 39 तक. क्यों, समझ गए? 30 से स्टार्ट करके कहाँ तक आओगे? 79 तक. 80 से स्टार्ट करके 99 तक. अब दो डिजिट का रैंडम नंबर अगर होगा, 99 से बड़ा वैल्यू शो करेगा. देखिए, अगर आप सीरियल 500 पे एंड करते थे तो तीन तीन डिजिट का मैंने ऊपर में लिया था. अब हाईएस्ट में तीन डिजिट तक गए ना, तो ये तीन तीन डिजिट का रैंडम नंबर लेना पड़ेगा. अगर मैं यहाँ तीन डिजिट का भी ले लेता हूँ, कैन यू इमेजिन द सिनेरियो, क्या सीरियल नंबर बनेगा बोलो? 0 से और 300 से, 801 से. तो थ्री डिजिट का रैंडम नंबर क्या 999 से बड़ा होगा? तो जो 543 आपको ड्रॉप करना पड़ा था वो ड्रॉप होगा? नहीं. और जो जीरो ड्रॉप करना पड़ा था वो ड्रॉप होगा? नहीं, बिकॉज यू स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड यू एंडेड एट 999. नाउ दिस कुड बी पॉसिबल ओनली व्हेन यू कन्वर्टेड योर फ्रीक्वेंसी इनटू प्रोबेबिलिटी. एंड मोर ओवर, बाई ब्रिंगिंग प्रोबेबिलिटी यू एक्चुअली ओबे द साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑल्सो, विच बेसिकली फोरकास्ट फ्यूचर. प्रोबेबिलिटी कब यूज करते? जब फ्यूचर को फोरकास्ट करते तब प्रोबेबिलिटी यूज करते. तो उसका भी रिस्पेक्ट हो गया, एज वेल एज आपका एक और काम हो गया कि कोई भी रैंडम नंबर रिजेक्ट नहीं हुआ. अब आप मुझे कोई भी रैंडम नंबर बोलो तीन डिजिट का, पांच रैंडम नंबर बोलो तीन डिजिट का, क्योंकि आपको 5 दिन का आंसर जानना है. कोई भी रैंडम नंबर बोलो 0 से 999, वापस बोलिए, कुछ भी ड्रॉप नहीं होगा, कुछ भी, एनीथिंग. 411 और 576 बोलिए ना पीछे, वो दीदी लास्ट में निधि बोलो ना. 420, अच्छा वेरी नाइस. हाँ 364 840, हो गया. अब क्या इसके पीछे आंसर था उतना कोई सोच के बोला? कोई नहीं बोला. सो अब इसका सेल्स क्या होगा? 411 पे आप सिलेक्ट करिए प्लीज. हाँ 20, 576 पे 20, 420 पे 20, 364 पे 20, 840 पे 30. सो दिस इज योर प्लानिंग. बेस्ड ऑन दिस यू कैन प्लान योर प्रोडक्शन. याद रखना कि ये सब एक्सरसाइज यूजुअली स्प्रेड होता है शॉर्टर पीरियड पर, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना. 10 साल का प्लानिंग ऐसे नहीं कर सकते, बिकॉज इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एवरी अनसर्टेन थिंग्स बिकम सर्टेन. अनसर्टेनिटी हमेशा शॉर्टर पीरियड के लिए होती है. पढ़ेगा ऐसा कभी नहीं सुने, बात में बहुत गहराई है. जीवन में जो भी अनसर्टेनिटी है ना, जो भी ऊपर नीचे ग्राफ जा रहा है, वो बहुत कम समय के लिए होता है. उसमें घबराने का नहीं है. हमेशा लॉन्गर फोर्स ही करोगे तो यू विल फाइंड एवरीथिंग सर्टन, एवरीथिंग. ओके, सो ये प्लानिंग अनसर्टेनिटी का ओनली वर्क्स when you are planning for day to day, not for your strategic objective. कि भविष्य में 20 साल बाद कंपनी कहाँ जाने वाली, वो सिमुलेट नहीं करते, वो श्योर होके बोलना पड़ता है. बट 2-3 दिन, 10 दिन, 20 दिन जो हो सकता है वो यहाँ पर है, करेक्ट. अब एग्जाम का समय हो सकता है वो लोग 2-2 साल उठा ले, तो आप ये नहीं बोलना सिमुलेशन इज नॉट एप्लीकेबल. जो दिया वही सत्य है, आपको करके आ जाना है. और आपको एक्चुअली ये बस प्रोसेस फॉलो करना है, ये सिमुलेट करने का. ये जो प्रोसेस सिमुलेशन का हमने सीखा दोस्तों, इसका एक टेक्निकल नाम है, नाम इज मोंटे कार्लो सिमुलेशन. वाओ, व्हाट अ नेम. इट वाज एक्चुअली इनोवेटेड इन अ सिटी, ताकि कंट्री है, मोनाको कंट्री है. हाँ, उसमें एक शहर है मोंटे कार्लो. मोनाको में शहर है मोंटे कार्लो, विच इज वेरी फेमस फॉर गैम्बलिंग.
कैसीनोज के लिए बहुत फेमस है, तो कैसीनो में कौन जीत सकता है, क्या नेक्स्ट चांस में आ सकता है, उसके लिए ये बनाया गया था, बट फिर उसको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में ले लिया गया। इंटरेस्टिंगली आपका एक्सेल में भी ये है, व्हाटएवर वो बात की चीजें हैं। मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन इज द ऑफिशियल सिमुलेशन टेक्निक दैट यू हैव टू यूज वेदर इट इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन और नॉट स्पेसिफाइड। मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन वेन एवर इट इज सेड इट इज द सिमुलेशन और सिलेक्शन प्रोसेस बेस्ड ऑन रैंडम नंबर्स। ही ओनली सजेस्टेड दैट फ्रीक्वेंसी शुड बी टेकन एंड देन स्टेप्स, अगर रिकॉल करें तो फ्रीक्वेंसी शुड बी टेकन एंड देन शुड बी कन्वर्टेड इन टू प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी शुड बी रिकन्वर्टेड इन टू क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी शुड बी ब्रॉट टू होल नंबर्स डिपेंडिंग अपॉन द डिजिट्स ऑफ रैंडम नंबर एंड देन सीरियल नंबर इज टू बी असाइंड। करेक्ट, सीरियल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड एंडिंग एट नाइन या 999 या 99 व्हाटएवर एंड देन चूजिंग द रैंडम नंबर्स फ्रॉम द रैंडम नंबर टेबल यू हैव टू आइडेंटिफाई द एप्लीकेबल वैल्यूज फॉर योर कमिंग फ्यूचर। यहां तक सबको समझ में आ गया? हाँ, अब इसी में मैं खाली आपका सेल्स की जगह कुछ और डाल दूंगा, फ्रीक्वेंसी की जगह कुछ और डाल दूंगा, प्रोसेस वही रहेगा। क्या करना है, सबसे पहला स्टेप प्रोबेबिलिटी, दूसरा स्टेप क्यूमुलेटिव, तीसरा स्टेप उसको होल नंबर इंटू 10, 100, 1000, किसके ऊपर डिपेंड करेगा वो, रैंडम नंबर जैसा मिलेगा उसके ऊपर, फिर सीरियल नंबर जीरो से लेकर लास्ट नाइन तक या 999 या 999 तक, फिर जितना दिन का सिलेक्शन करना है उतना रैंडम नंबर होना चाहिए। अगर 5 दिन का करना है तो 5 रैंडम नंबर, 10 दिन का करना है तो 10 रैंडम नंबर, उसके बेसिस पे एप्लीकेबल वैल्यूज। ठीक है, मजे की बात यहां तक एग्जाम में हर क्वेश्चन में आएगा और वो हिंदुस्तान का सारा बच्चा कर लेता है, बट असली चीज क्वेश्चन में जो पूछता है वो इसके बाद एप्लीकेबल होता है और वहीं पे हम दम तोड़ देते हैं। उसी के लिए चैप्टर आपको मेरे से सीखना है। यहां तक तो अभी 10 मिनट में खत्म हो गया और जो ऐसे ही आप सम देखोगे आपका मन एकदम ललचाएगा और ये आंसर निकाल के छोड़ देगा। इसके बाद खतरनाक एक एनालिसिस शुरू होता है जो हर सम में अलग है, एवरी सम हैज अ डिफरेंट कैलकुलेशन। उसको आप जब कर लेते हैं या करने की क्षमता ला पाते तो ही एग्जाम का सम होता है और वो बहुत ही खौफनाक है। डरा नहीं रहे, सत्य दिखा रहे हैं। नहीं नहीं आप चलिए आइए, मैं डराने वाला कौन होता हूं, आप खुद डर जाएंगे। चलिए आइए लिखते हैं। नंबर वन, सिमुलेशन हियर इंप्लाइज रैंडम सिलेक्शन। Of past data to forecast an uncertain future. Number two, सॉल्यूशन टेक्निक मोंटे कार्लो सिमुलेशन स्टेप्स पहला स्टेप कन्वर्ट गिवन फ्रीक्वेंसी इनटू प्रोबेबिलिटी ये उन बच्चों को सबक है जो मेरा कलर कॉपी मार रहे हैं। वो मेरा लाल दिखा अपने लाल उठाया, मेरा काला देखा अपने काला उठाया, मेरा ब्लू देखा ब्लू भी गया, जब येलो और ग्रीन देख रहा अब क्या करूं, वो रुक गया बेचारा एक बार।
फिर लाल उठा लिया, मतलब मेरे पास तो यही है, लाओ मेरे से पंगा लो, मेरे पास ट्रे कितना बड़ा है देखो पूरा रेनबो बनवा दूंगा, थोड़ा बुद्धि चलाओ कब कौन सा कलर लगाना है। नंबर टू दिख रहा है मेरे को ना, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। नंबर थ्री, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी इंटू 10 और इंटू 100 और इंटू 1000, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन डिजिट्स ऑफ रैंडम नंबर। नंबर फोर, असाइनिंग सीरियल नंबर, चाहे सीरियल नंबर को टेक्निकली बुलाते हैं रैंडम इंटरवल, इंटरवल मतलब होता है रेंज, कितना से कितना। असाइनिंग सीरियल नंबर रैंडम इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, वाई स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो? हाँ, बिकॉज जीरो इज अ वैलिड रैंडम नंबर। फिफ्थ, बेस्ड ऑन गिवेन रैंडम नंबर्स बेस्ड ऑन गिवेन रैंडम नंबर्स फाइंड द सिमुलेटेड रिजल्ट्स। फाइंड द सिमुलेटेड रिजल्ट्स, ठीक है। एंड सिक्स्थ इज एनालिसिस बेस्ड ऑन सिमुलेटेड रिजल्ट्स। अब वो क्या होगा, वो हर क्वेश्चन अपना ही कुछ बताएगा, उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, कॉमन सेंस इसमें सबसे ज्यादा यूज होता है, एंड दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। हम लोग क्लास में कितना सम उठाएंगे, आपके पास मैट में देखिए तो कितना सम? हाँ, 14, और होमवर्क में 6, 20 सम होगा। और आप ऑब्जर्व करेंगे कि 20 में 16-17 वैरायटी नया ही आ रहा है, और एग्जाम का गारंटी इसमें भी नहीं है, वो कुछ नया फिर बना सकता है। तो आपको ये कैपेबिलिटी गैदर करना है कि कैसे हम लोग सोचते हैं, कैसे हम लोग सोचते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन उठा लिया जाए अभी। क्वेश्चन नंबर वन, पेज 469। पे अटेंशन, कुछ फेवरेट्स है, मैंने एग्जाम का कुछ फेवरेट्स को कैटेगराइज किया है, जो आप यहाँ पे पेज 467 में हेडिंग देख सकते हैं, डिफरेंट वैरायटीज। बट आप ये अभी उतना फोकस मत करना, चैप्टर के एंड में जरूर मिला लेना कि ये एग्जाम का फेवरेट वैरायटीज है। स्टॉक के बारे में, सर्विस के बारे में, ये सब अभी कुछ समझ नहीं आएगा, नाम टेक्निकल लगेंगे, बट वो फेवरेट वैरायटीज हमने कैटेगराइज किए। क्वेश्चन नंबर वन में आ जाइए। अ बेकरी कीप्स स्टॉक ऑफ इट्स पॉपुलर ब्रांड ऑफ केक्स। डेली डिमांड, पे अटेंशन, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस इज शोन बिलो। यूजिंग द रैंडम नंबर सीक्वेंस, रैंडम नंबर हमेशा आपको दिया रहेगा, टेबल कभी एग्जाम में अफोर्ड नहीं कर पाता है, ठीक है। टेबल हम लोग को नहीं मिलता है, टेबल से वैल्यूज मिल जाते हैं, जैसे कि ये। यूजिंग द रैंडम नंबर सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब पहला यही वाला, दूसरा यही वाला, ये इसलिए कि आप वैसे तो रैंडम नंबर में कोई भी पहले उठा लीजिए, बट फिर अब सबका आंसर अलग हो जाएगा, वो बेचारा चेक करने वाला पागल हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन में सीक्वेंस का लॉजिक चलता है कि पहला 48 ही लेंगे सब, दूसरा 78 ही लेंगे सब,
एंड ऐसा कितना दिया हुआ है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर दिया, मतलब 10 बार सिलेक्शन होगा। यानी आप बोल सकते हैं डेली डिमांड का बात हो रहा है तो 10 डेज का आंसर आएगा, और दो दो डिजिट का रैंडम नंबर है, मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। सिमुलेट द डिमांड फॉर नेक्स्ट 10 डेज। यहाँ तक आपके लिए बहुत सिंपल रहेगा हर क्वेश्चन में। उसके बाद नया चीज इसमें है, फाइंड द स्टॉक सिचुएशन। हर सब में ऐसा कुछ नया है, व्हाट्स न्यू में नोट करते रहिएगा। इसमें स्टॉक सिचुएशन है, गिवेन दैट बेकरी डिसाइड्स टू मेक 35 केक्स अ डे। ओके, बेकरी डिसाइड्स टू मेक 35, दैट्स प्रोडक्शन, एंड यू आर बेसिकली सिमुलेटिंग द सेल्स डिमांड। तो प्रोडक्शन माइनस सेल्स इज योर स्टॉक। और एक और यहाँ पे लिखा है, स्टॉक इज कैरीड ओवर टू द नेक्स्ट डे, बिकॉज केक है ना पेरिशेबल होता है, तो कई बार कैरी ओवर नहीं होता। बट यहाँ पे आप ऐसा समझो कि ये लोग कोई ड्राई केक बेच रहे हैं जो कैरी ओवर होगा। फाइंड द एवरेज डेली डिमांड, ये एक दूसरा चीज पूछा। स्टॉक सिचुएशन वॉज फर्स्ट, मार्किंग करते रहेंगे, जो नया नया ऐड होगा हर क्वेश्चन में उसको बहुत केयरफुली आइडेंटिफाई करना है। एवरेज डेली डिमांड इज द सेकेंड कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द सिमुलेटेड डेटा। तो ये सिंपल है ना, डिमांड जो आ गया सिमुलेट करके उसका एवरेज करना, वो हो जाएगा। स्टॉक वॉज समथिंग टू लर्न। नाउ डेली डिमांड कैन बी 0 और 15 और 25 और 35 और 45 और 50। सो प्रोबेबिलिटी इज ऑलरेडी गिवन टू यू, नहीं तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल पाते, बहुत सिंपल होता है। प्रोबेबिलिटी इज गिवन एंड यू हैव टू स्टार्ट द सम। चलिए हम लोग टेबल बनाते हैं। पहला टेबल का नाम है एलोकेशन ऑफ रैंडम इंटरवल्स। डेली डिमांड, प्रोबेबिलिटी, फिर कॉलम्स याद है क्या क्या होगा? क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, सीपी इंटू 100, और फिर रैंडम इंटरवल, जो सीरियल नंबर का कॉलम था वो रैंडम इंटरवल नाम दे दिया। कॉपी कॉपी कॉपी, स्पीड 0 15 25 35 45 50। प्रोबेबिलिटी बोलिए, 0.01 0.15 0.2 0.5 0.12 0.02 36 86 9 8 1 इंटू 100, 1 16 36 86 9 800। स्टार्ट फ्रॉम 0, डबल 0 लिखना सही है, डबल डिजिट है ना, सब डबल डिजिट में लिखो। 0 0 से नहीं, एक ही है ना, तो 0 0 से 0 0, छोटा छोटा ध्यान रखना होगा। 0 0 एक नंबर है खाली, करेक्ट। दूसरा वाला 1 से 15, एक कम। देखो एक ट्रिक दें, मंद बुद्धि होकर करना हो, कॉपी करो, एक नीचे एक खन नीचे कॉपी करो, 16 36 86 98, ठीक है। और इस तरफ एक कम, 36 का 35 86 का 85 98 का 97 100 का 99। जैसे देखिए पहला था तो बुद्धि से भी कर लेंगे, धीरे धीरे आप मेरा ही ट्रिक में आएंगे। अभी देखिए ना, आगे जाके देखिएगा तब समझ में आएगा, यही ठीक है, बिना बुद्धि के करो। दूसरा है सिमुलेशन वर्कशीट। डे, रैंडम नंबर, सिमुलेटेड डिमांड मतलब जो आपके हिसाब से होने वाला है। उसके बाद प्रोडक्शन आपको मालूम है। देखिए ये जो एक्स्ट्रा कॉलम्स होते हैं ना, ये आपको अपने समझदारी से बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे स्टॉक दिखाना है तो प्रोडक्शन मालूम है, प्रोडक्शन और सेल्स माइनस करेंगे तो स्टॉक आएगा। अब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का कोई जरूरत नहीं है,
पिछला दिन का क्लोजिंग इस नेक्स्ट डे का ओपनिंग हो जाएगा, तो कोई जरूरत नहीं। ये आपका एक क्रिटिकल एरिया रहेगा हर सम में, हर सम में यहाँ पे कुछ नया नया आते जाएगा और उसका कोई नोट्स नहीं हो सकता, वो सम ही डिसाइड करता है। डे बोलो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 दिन तक जाना है ना। रैंडम नंबर बोलो, 48, 78, 19, 51, 56, 77, 15, 14, 68, 9। सिमुलेटेड डिमांड, रुको कैसे देखना है मैं सिखा देता हूँ एक बार। 48 आप देखोगे यहाँ पे, 48 को यहाँ पे खोजोगे और आंसर मुझे डिमांड का बोलोगे। 48 यहाँ पे देख के आंसर डिमांड का, तो 48 पर डिमांड है 35, 78 पर, 78 पर 35, 19, 25, 51, नंबर 51, 35, 56, 35, 77, 35, 15, 15 पे 15, 14, 14 पे भी 15, 68, 68 पर 35 एंड 9 पर 15। बच्चा लोग में जोश आ गया, 35, 35, 35, 35, प्रोडक्शन 35, 35, 35, 35, 35। बोलो स्टॉक, पहला दिन स्टॉक, दूसरा दिन जीरो, तीसरा दिन, चौथा दिन 10। चिड़िया और कौवा उड़ मत खेलो, कैरी फॉरवर्ड होगा ना। 10 कैसे हुआ समझ में आया ना, फिर 10, फिर 10। अरे सर केक सड़ नहीं जाएंगे? अरे भाई फीफो में बेचेंगे ना, पुराना वाला पहले बेच देंगे, क्या धंधा चलाते आप लोग। 30, 50, 50, 70 हो गया। इसका एवरेज करने के लिए डिमांड का टोटल करिए तो हो गया मेरा 280। देखिए देखिए कर लीजिए आप, है? सो एवरेज डेली डिमांड इज 280 बाई 10, 28 केक्स पर डे। सो बेसिकली द बेकरी शॉप कैन प्लान देयर एक्टिविटीज बेस्ड ऑन दिस डिमांड, ना प्रोडक्शन किया जा सकता है। क्वेश्चन टू में आ जाइए, कोई भी क्वेश्चन को पढ़े ना तो दो सवाल अपने आप से पूछना। पहला सवाल, किस चीज का सिमुलेशन करना है? किस चीज का सिमुलेशन करना है? द आंसर इज जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया, या जिसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, जिसका एक्सपीरियंस डेटा दिया है। जैसे पिछले क्वेश्चन में किसका किए थे, डिस्ट्रीब्यूशन किसका था, डिस्ट्रीब्यूशन किसका था, डिमांड का, तो आपने डिमांड का सिमुलेशन किया था। दूसरा, कितनी बार सिमुलेशन करना है? सिमुलेशन मतलब सिलेक्शन,
इतनी बार सिलेक्शन करना है? आंसर है जितना रैंडम नंबर दिया है। ये कभी कभी एम्बिगुअस क्वेश्चन में ये दो सवाल आपको डायरेक्शन दे देते हैं। जितना रैंडम नंबर दिया है, क्वेश्चन टू में चले आइए। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अराउंड 200 मोपेड्स पर डे। मोपेड पता है क्या? शाबाश। लूना लूना। डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड अदर कंडीशंस, ध्यान दीजिए, द डेली प्रोडक्शन हैज बीन वेरिंग फ्रॉम 196 टू 204 मोपेड्स एंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो। ठीक है, अभी क्या वेरी कर रहा है? प्रोडक्शन वेरी कर रहा है 196 से 204, और सबका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। सर इसमें भी प्रोबेबिलिटी दे दिया, हम लोग खुद से कभी नहीं निकालेंगे क्या? आएगा तेरा दिन, आएगा, अगला सम में आ जाएगा। द फिनिश्ड मोपेड्स आर ट्रांसपोर्टेड इन अ स्पेशली डिजाइंड लॉरी दैट कैन अकोमोडेट 200 मोपेड्स यूजिंग द रैंडम नंबर्स। कितना है गिने तो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितना, 15 दिया हुआ है। सिमुलेट द प्रोडक्शन पैटर्न फॉर 15 डेज। क्या चीज सिमुलेट करना है? प्रोडक्शन का, क्योंकि उसी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया। कितनी बार करना है? 15 बार करना है, क्योंकि 15 रैंडम नंबर दिया है। एंड फाइंड, आपको नया चीज जो पूछा है वो दो इस बार ये वाला है, एक एवरेज नंबर ऑफ मोपेड्स वेटिंग। वेटिंग कब होगा सोचो, ठीक से बताओ। प्रोडक्शन अगर 200 से ज्यादा हो गया तो वेट करेगा, और एवरेज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन लॉरी जब 200 से कम हो गया। डेली प्रोडक्शन होगा, डेली डिस्पैच होगा, और जब 200 से कम हो गया तो खाली जगह जाएगा। ओके, आइए, एलोकेशन ऑफ रैंडम नंबर्स। नाउ गाइस शो मी सम स्पीड, क्योंकि इसमें एकदम भी बुद्धि नहीं लगना है। प्रोडक्शन पर डे, प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव इनटू क्या करें? क्यों 1000 का मन में क्यों है? तो 100 सही तो करना है। रैंडम इंटरवल 1000 का फील कैसे आया? दो सौ एक, 202, 203, 204। पांच, 9, 12, 14, 20, 15, 11, 8, 6, 15, 11, 8, 6, क्यूमुलेट 0.05, 14, 26, 40, 60, 75, 86, 94 और 1। इंटू 100 करना है। 5, 14, 26, 40, 60, 75, 86, 94, 100। फिर छापने का सिस्टम क्या था? एक घर नीचे, जीरो पे लिखकर एक घर नीचे। 5, 14, 26, 40, 60, 75, 86, 94। फिर इस तरफ का एक कम, 4, 13, 25, 39, 59, 74, 85, 93, 99। हो गया। सिमुलेशन वर्कशीट,
डेज, रैंडम नंबर, सिमुलेटेड, क्या लिखेंगे अभी, प्रोडक्शन, और मोपेड्स वेटिंग, और एम्प्टी स्पेसेस। वो कॉलम नहीं बना रहे हो, 200 200 200 क्या लिखना है हर जगह इन लॉरी। अजय, डेज में वंदु एरडु मूरु नालकु ऐदु आरु एरु एरु ओंबत्तु एंटु। कन्नड़ा में बोल रहे हैं, 11 12 13 14 15, ये हिंदी में बोल रहे हैं। सर ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं किया, 15। तो आप मेहनत क्या कर रहे हो, खींचे नहीं, 40 40 देंगे, आगे आइए ना, तो 15 ही है, 40 देंगे, 40। नाक से खून नहीं निकल गया तो नाम बदल दीजिए। 82 89 78 24 53 61 18 45 4 23 50 77 27 54 10। भैया पीछे मत रहिए मेरे से, फटाफट आइए, फटाफट आइए। चलिए बोलिए, 82 82 202 89 203 78 202 24 199 53 53, ये देखिए यहाँ पे देखना है, 53 200 61 दो 24 का है भाई, 199 बोला तुम, थोड़ा तो लिहाज कर किस प्लेटफॉर्म पे बैठा है। 200 के बाद 61 पे 201, 61 के बाद 18, 18 पे 198, 45, 200, 4, 196, 23, 198, 50 पे 200, 77, 202, 27, 199, 54 पे, 54 पे 200, और 10 पे 197। आगे बढ़िए, थोड़ा ध्यान से। हाँ, 200 का जगह है, 202 बन गया, दो और एक खाली जगह, दोनों साथ में सोचना है। पांच होना चाहिए ना सर, आप बोले तो नहीं कैरी फॉरवर्ड होगा, तो मोपेड तो पेरिशेबल नहीं है, करेक्ट। थोड़ा ये ट्रिक है, ये आपको समझना होगा हर क्वेश्चन का। 5 डैश, फिर 7 डैश, फिर पांच 0। नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे। ए भाई, 200 का जगह है, 198 आज बनाया, 7 वेट कर रहा था, तो 198 प्लस 7 205, 205 में 200 डाल दिया तो 5 वेट कर रहा है, खाली जगह कहाँ है। चिड़िया और मैना और से नहीं चलेगा गेम, मैं बोल दे रहा हूं। बोलिए, यहाँ पे 5 डैश, 6 डैश, 4 डैश, 4 डैश, डैश 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 2 डैश। क्या करता है लोग, एम्प्टी स्पेस कैरी फॉरवर्ड होगा ना। हाथी उड़, घोड़ा उड़,
एम्प्टी स्पेस कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा, है ना? फिर टू डैश वन डैश क्या 14 में कुछ गड़बड़ गड़बड़ आंसर नहीं दे रहा है? देखिए वन वेट कर रहा है, तो 200 आपने बनाया, तो 200 भेज दिया, तो एक बचा हुआ है डैश, और यहाँ पे एक जाएगा तो 198 चला गया, एम्प्टी स्पेस दो है। सावधानी से खेलना होगा, आप लोग को हंसी मजाक लग रहा है। टोटल कितना आ रहा है ये? ये तो 4 आ रहा है, 42 एवरेज करो, एवरेज नंबर ऑफ मोपेड्स वेटिंग। फोर्टी टू बाई 15, 2.8, और दूसरा एवरेज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस। बोलिए पॉइंट कितना आ रहा है? अब आप बोल सकते हैं सर एम्प्टी स्पेसेस और या मोपेड्स फ्रैक्शन कैसे होगा? एवरेज फ्रैक्शन अलाउड है, कैसे अलाउड है सर? जैसे दो मोपेड पूरा दिन वेट किया, एक मोपेड 80% ऑफ द टाइम वेट किया, इस तरह से अलाउड है। एक और हो जाए सर, आप लोग तुरंत गिड़गड़ाने लगते हैं, शोभा नहीं देता है, थोड़ा तो इंटेग्रिटी रखिए। तुरंत हाथ पैर जोड़ने ले, नहीं सर हाथ पैर क्या है ये? होमवर्क दे देंगे हमको, क्या ना करना थोड़ी है, होमवर्क दे दीजिए। नहीं, एक क्वेश्चन कराएंगे तुम लोगों, प्लीज प्लीज, फिर होमवर्क नहीं दे पाएंगे। अच्छा होमवर्क में आप ले लो पेज 478, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। एक बार देखो ना, 5 नंबर, देखिए तीन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे करोगे एक बार समझ लो। तीन डिस्ट्रीब्यूशन है, सेलिंग प्राइस का, वेरिएबल कॉस्ट का, वॉल्यूम का, तो तीन एलोकेशन टेबल बनेगा। एक सेलिंग प्राइस का, 0 से 99 वाला ही, फिर 100 से नहीं चलेगा, फिर 0 से 99 दूसरा वाला, फिर 0 से 99 तीसरा वाला। सर ऐसा क्यों? तीन अलग अलग क्यों? क्योंकि तीनों इंडिपेंडेंट चीजें हैं, तीनों का कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इसलिए कंटिन्यूड नहीं होगा। पहला वाला 0 से 99, दूसरा वाला 0 से 99, तीसरा वाला भी 0 से 99, इसलिए तीन सेट ऑफ रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं, तो तीनों से तीन आंसर निकलेंगे। सिमुलेटेड सेलिंग प्राइस, सिमुलेटेड वेरिएबल कॉस्ट, सिमुलेटेड वॉल्यूम, और क्वेश्चन पूछ रहा है सिमुलेट द एवरेज प्रॉफिट। तो क्या करोगे? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इनटू वॉल्यूम माइनस फिक्स कॉस्ट भी दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में 4000, तो प्रॉफिट आएगा, वो एक कॉलम बन जाएगा आपका। वर्कशीट जो बनाओगे ना लास्ट वाला, वो एक और फ्रेश वर्कशीट बनाओगे, या फिर ऐसा हो सकता है प्रेजेंटेशन, देखिए समय बचाने का खेल है सारा, तीनों फर्स्ट सेट ऑफ रैंडम इंटरवल टेबल आपको बनाना ही होगा। एलोकेशन ऑफ रैंडम इंटरवल फॉर सेलिंग प्राइस, ये 0 से लेकर 99 तक आएगा, और ऐसा ही आपको सेकेंड बनाना होगा, थर्ड बनाना होगा। उसमें मैं कोई आपको रियायत नहीं दे पा रहा हूं, बट वर्कशीट आप इकट्ठा बना सकते हो। कैसे? एक बार देख लो आप वर्कशीट जो बनाओगे, अल्टीमेटली यहां पे कितने दिन का सिमुलेशन करना है? 10 है क्या? तो 1 2 3 ऐसा चलेगा,
फिर एक सेलिंग प्राइस का हेडिंग दिया, सीख लीजिए प्रेजेंटेशन स्किल्स, रैंडम नंबर उसका देख के लिखोगे और उसका सिमुलेटेड सेलिंग प्राइस लिखोगे, फिर एक कॉलम वेरिएबल कॉस्ट का किया, उसका रैंडम नंबर सिमुलेटेड वेरिएबल कॉस्ट, फिर एक कॉलम वॉल्यूम का किया, उसका रैंडम नंबर उसका सिमुलेटेड वॉल्यूम, और फिर आपको पता है वर्किंग क्या करना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो क्या करोगे कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए, ए माइनस बी इंटू सी करके सबका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिर फिक्स कॉस्ट 4,000 मालूम है, फिर आप प्रॉफिट निकाल लोगे, करेक्ट, और उसका एवरेज बताने बोल रहा है, करेक्ट है। इफ यू नो प्रेजेंटेशन फॉर 5, यू नो बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन ऑफ 6 एंड 4, 6 और 4 एक जैसा ही है, ठीक है, ट्राई करिए ना। मैंने तो बोला जो स्टेप्स था वो ऑलरेडी आपको आ गया है, अब हर सब नया ही कुछ क्रिएट करेगा। चलिए मिलते हैं अगले दिन चैप्टर खत्म करने के लिए, थैंक यू। हाँ खत्म कर